YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में जिसमें इस गिरावट में जो स्टॉक मार्केट का ये करेक्शन था, इसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने मिला, तो ये शेयर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि ये फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स हैं। तो इन स्टॉक्स को ग्रैब करने का और काफी अच्छा आप यहां से रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहां पर बात करें तो लगातार ये चौथा दिन है जब यहां पर हमें गिरावट देखने मिला और लगातार ये चार रेड कैंडल देख सकते हैं जो हमें संकेत कर रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस है और यहाँ पर सपोर्ट भी बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम में रिजेक्शन पिछले दिन भी मिला था, आज भी मिला है और ये थोड़ा सा ये पिछले दिन के कैंडल के लो को ब्रेक किया था लेकिन इसके लो को नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब जो पिछला दिन था उसका जो लो है उस लो को ये सस्टेन नहीं कर पाया नीचे ब्रेक करने के बाद। जब तक नीचे हम सस्टेन नहीं कर जाते हैं तब तक हम यहाँ पर वीक नहीं कहलाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज होता है तो हम फिर रेंज का वेट करेंगे और अगर कोई रेंज साइडवेज होकर के बनाता है तो उस रेंज को किस और ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेक करेगा तो हम बुलिश होंगे। और 18,000 का जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये 18,000 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर हम यहाँ पर बेयरिश हो सकते हैं और फिर जो हमारा यहाँ पर सपोर्ट लेवल होगा वो काफी नीचे आ जाएगा 17,340। और यहाँ पर इस गिरावट में चार दिन का जो ये करेक्शन था, मतलब एक करेक्शन ही बोलेंगे, अभी कोई स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, जब तक जो लगातार लोअर लो नहीं बनाने लगता है तब तक हम क्रैश नहीं बोलेंगे। यहाँ पर देखिए काफी जबरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने मिला है कई सारे स्टॉक्स में, जैसे दीपक नाइट्रेट काफी फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक, 3,016 रुपीज का हाई है जबकि ये लो लगा चुका है यहाँ पर पिछले चार दिन में 2,385 रुपीज का, इतना जबरदस्त करेक्शन देखने मिला है। देखिये इतने फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स और इतना जबरदस्त गिरावट, वही दूसरा जो है खास करके केमिकल सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है उसमें लगातार गिरावट देखने मिल रहा है। और यहाँ देखिए एल्काइल एमिन्स, इसका हाई की बात करें 4,750 रुपीज और वहां से देखिए ये स्टॉक्स 1,000 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट और 3,720 रुपीज पे ये स्टॉक्स मात्र मिल रहा है, तो काफी गिरावट पे ये स्टॉक्स मिल रहा है। अब देखिए परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना गिरावट हुआ, यहाँ से आप इस लगाइए और यहाँ पर देख लीजिए ये स्टॉक्स जो है लगभग आपको 21.48% के गिरावट में मिल रहा है, तो इतना ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये सारे स्टॉक्स आपको मिल रहा है। वहीं अगला जो स्टॉक्स है IRCTC, इसमें भी काफी जबरदस्त गिरावट देखने मिला है। अगर इस स्टॉक्स में भी गिरावट की बात है, देखिए ये स्टॉक्स भी काफी भयंकर रूप से यहाँ पर गिरावट देखने मिला है, 30% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक्स मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे, जो अपने ऑल टाइम हाई पे था वहां से 30% डिस्काउंट पे थी इस स्टॉक में काफी गिरावट। फिर एक लाल पैथलेब है, काफी बेहतरीन ये कंपनी है, इंडिया की नंबर वन डायग्नोस्टिक कंपनी और ये भी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये शेयर्स मिल रहा है, देखिए 20% डिस्काउंट पे ये भी शेयर्स मिल रहा है, तो कितने बेहतरीन जो सॉलिड सब शेयर्स है, देखिए कितने गिरावट मिले। जब मार्केट क्रैश होता है तो काफी भयंकर रूप से ये सारे स्टॉक्स गिरते हैं जो कि फंडामेंटली काफी सॉलिड है, इसलिए हमें जो मार्केट क्रैश होता है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है किसी भी स्टॉक को काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करने का। अब ये देखिए स्टॉक्स जो जुबिलेंट फूड है ये भी काफी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 90% के डिस्काउंट पर, तो 90% का डिस्काउंट काफी बड़ा डिस्काउंट होता है, इतने डिस्काउंट पे ये स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। फिर चलते हैं नीचे, यहाँ देखिए अतुल लिमिटेड, ये भी काफी डिस्काउंट पे स्टॉक्स मिल रहा है, इसका भी 10,975 रुपीज का हाई है और ये स्टॉक्स यहाँ पर लो बनाया 9,400 का। उसके बाद जो अगला स्टॉक्स है वो है नवीन फ्लोरिंग, ये भी काफी डिस्काउंट प्राइस पे ये स्टॉक्स मिल रहा है और यहाँ पर देखिए इसका जो हाई है वो अपना हाई लगा चुका है 4,200 का और वहां से देखिए स्टॉक्स भी काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है 22% के डिस्काउंट पर। इस तरह से काफी डिस्काउंट पर ये सारे शेयर्स मिल रहे हैं और इन सारे शेयर्स में एक अपॉर्चुनिटी होगा आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करने का। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन सबसे सॉलिड शेयर है FMC शेयर का, ये भी आपको काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है और इस शेयर में देखिए डिस्काउंट कितना आपको दे रहा है, यहाँ से हम लगाते हैं ये पैरामीटर और यहाँ देखिए 14% से ज्यादा का डिस्काउंट भी स्टॉक्स मिल रहा है। ऐसे फंडामेंटली सॉलिड शेयर जो कि इतने ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पर आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ से आपको निश्चित रूप से इसमें बाइंग करनी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए जब इतने डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं। तो ये चार दिन का जो मार्केट का गिरावट है, ये चार दिन का गिरावट कई सारे स्टॉक को काफी डिस्काउंट पे ला दिया है, तो जहां पर आप इन स्टॉक्स को ग्रैब कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में
ऐड कर सकते हैं और निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतरीन रिटर्न देगा ये सारे स्टॉक्स। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कौन सारे स्टॉक्स हैं जो कि अभी आपको काफी भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।